चंदड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के कर्मावास सेवाली जाने वाले सड़क मार्ग पर घर से मजदूरी के लिए निकले मजदूर का शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त खरताराम पुत्र उत्तमाराम उम्र 35 वर्ष के रूप में की। मौत के कारणों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट में हत्या की बात कही है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। उपखंड मुख्यालय समदड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के कर्मावास सेवाली जाने वाले सड़क मार्ग पर घर से मजदूरी के लिए निकले मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की खबर मिलते ही समदड़ी थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा। समदड़ी थानाधिकारी भुट्टाराम बिश्नोई ने बताया कि कर्मावास से जाने वाले सड़क मार्ग पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर व्यक्ति को देखा तो वह दम तोड़ चुका था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले समदड़ी के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र लाया गया। वहीं पुलिस ने मृतक की शिनाख्त खरताराम पुत्र उत्तमाराम उम्र 35 वर्ष के रूप में की। प्रारंभिक तौर पर पुलिस को मौत के कारणों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा मजदूर की मौत का कारण क्या है। प्रजापत ने एक रिपोर्ट दी कि मेरा भाई खरताराम सनब श्री उत्माराम जाति प्रजापत उम्र 35 साल, तो रोजाना की तरह कल भी 12 तारीख को सुबह काम के लिए सेवाड़ी की तरफ गया था। शाम को वापस नहीं आया तो हम लोगों ने तलाश की, तो तलाश करने पर उसकी वहाँ डेड बॉडी है वो कर्मावास से आगे सेवाड़ी रोड से कुछ दूरी पर मिली, जिस पर पुलिस भी मौके पर गई और स्त्री ने ला के डेड बॉडी को रोकवाया और आज परिजनों को बात पोस्टमार्टम के। वहीं मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट देकर हत्या की आशंका जताई है। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर समदड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर